हेलो गाइस, तो जिसका हम सबको काफी लंबे समय से इंतजार था, फाइनली वो ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और लिटरली गाइस, ये ट्रेलर नहीं तबाही था। ट्रेलर की हम बात करें, उससे पहले सैल्यूट करना चाहूंगा मैं नाग अश्विन को कि क्या ही लेवल का विजन बनाया है भाई। मूवी में पूरी अलग ही दुनिया बता दी है, जहाँ की इस दुनिया में सिर्फ आखिरी शहर बचा है काशी, जहाँ की नीचे जो लोग रहते है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और ऊपर चलता है सिर्फ पावरफुल इंसानों का राज। और इसके बाद एक लाइन आती है कि अब रोशनी आने का समय हो गया है, और एक सूखे पेड़ में पत्तियां आती हुई हमें दिखाई देती है। भाई साहब, टू गुड गाइस, इतना बारीकी से नाग अश्विन ने यह सीन दिखाया है। और इसके बाद जबरदस्त बैकग्राउंड के साथ अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण को साथ में दिखाया जाता है, और अश्वत्थामा अपने पावरफुल एक्शन अवतार में नजर आते है। और गाइस, ये अश्वत्थामा इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्होंने बुज्जी को लात मार के रोक दिया। लिटरली गाइस, टोटली गूज़बम्प्स मुझे उस वक्त आ गए थे। और उसके बाद हमें प्रभास का एंगल दिखाया गया है, जहां हमें जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है। और मूवी में जिस तरीके से VFX दिखा है, CGI दिखी है, भाई ऐसा लग रहा है ट्रेलर में एक असली दुनिया है और हम तो नकली दुनिया में रह रहे हैं। और गाइस, जो लोकेशन दिखी थी टोटली पावरफुल। और एंड में गाइस, जो इतना बड़ा धमाका हुआ है, मतलब भाई कमल हासन का जो ये लुक दिखा है, मतलब कमल हासन को जो ये छुपा के चल रहे थे, इनके 5 सेकंड के सीन ने फाड़ के रख दिया है। भाई इतना ज्यादा खतरनाक उनका लुक दिखा है, वो दिखाता है कि भाई अगर इस मूवी में कितने भी हीरो क्यों ना जुड़ जाए, वो अकेले सब पर भारी पड़ने वाले हैं। और हमें बोलना नहीं चाहिए कि भाई मूवी के ट्रेलर में दिशा पटानी भी दिखी है लोंडो। एनीवेज, ट्रेलर इज ऑसम, ऑल कैरेक्टर इज ग्रेटेस्ट। पर्सनली प्रभास का लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। वेल गाइस, मूवी आने वाली है 27 जून को, तो आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।